morning, students. And very good afternoon. We are now moving on to the remaining questions of assignment number 2. Remaining questions of assignment number 2. We are left with questions on page number 35. Page number 35. पूरे पेज को खोपड़ी मार्क करो और पूरे पेज को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करो. पेज नंबर 35 पे यू विल हैव वेरी टफ क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 47 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर क्वेश्चन. एकदम ध्यान से सुनो. अ बॉडी एट रेस्ट ब्रेक्स अप इनटू 3 पार्ट्स. इफ 2 पार्ट्स आर हैविंग इक्वल मासेस एंड दे आर लाइंग ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर After with velocity of 12 meters per second, then the velocity of the third part which is having mass 3 times each part. ध्यान से सुनो बेटा, ये एक मास है, okay? ये तीन पार्ट में स्प्लिट हुआ, this is splitted up into 3 parts, ठीक है? दो पार्ट का मास सेम है, m1 and m2, दो पार्ट का मास सेम है, मान लो इसको मैंने m बोला, जो तीसरा पार्ट है ना, उसका मास 3 times है, बोला है उन्होंने last time. अब हम क्या बोल रहे हैं कि दिस इज ओरिजिन. एक पार्ट ऐसा एक्स एक्सिस पे गया, ओके, एक पार्ट एक्स एक्सिस पे गया और एक पार्ट वाई एक्सिस पे गया, हो गया ना म्यूचुअली परपेंडिकुलर. एक पार्ट वाई एक्सिस पे गया, ओके, इसको मैं बोल देता हूं मास वन, विच इज एन हियर यू आर. इसको मैं बोल देता हूं मास टू, दिस इज ऑल्सो एन, राइट. इसका वेलोसिटी है दोनों का 12 मीटर पर सेकेंड, ये बोला है ना उन्होंने. इसका वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड, इसका वेलोसिटी भी है 12 मीटर पर सेकेंड, एम आई राइट? पहले से ये दो को देखते हैं, फिर सोचेंगे तीसरा किधर जाएगा, करेक्ट. तो इसका मोमेंटम क्या हो गया बेटा, m1v1, दैट इज m into 12, मतलब 12 है. लाइकवाइज इसका भी मोमेंटम क्या हो गया, m2 into v2, so that is also m into 12, so that is also 12, right? So momentum number 2 is 12, momentum number 1 also is 12, so what is the resultant momentum? ये दोनों में से एक भी नहीं ना. Resultant momentum is this. So what is the resultant momentum? P effective root of P1 square plus P2 square. That means it is root of 12m the whole square plus 12m the whole square. इसका मतलब it is 12m root 2 times. ये P effective हो गया. यहां तक समझा बेटा? वापिस एक बार देखो, मेरे पास एक मास है, राइट, इसको मैं 12 मास बोल देता हूं. ये तीन पार्ट में स्प्लिट हुआ, m1 and m2 are m. मैं अभी तक सिर्फ इसके ऊपर फोकस कर रहा हूं, राइट. सो m1 इज m, m2 इज m, दे आर गोइंग इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, राइट. सो m1 इज गोइंग अलोंग x एक्सिस, m2 इज गोइंग अलोंग y एक्सिस. इसका वेलोसिटी 12, इसका वेलोसिटी 12, सो इसका मोमेंटम 12m, इसका मोमेंटम भी 12m. सो इफेक्टिव मोमेंटम क्या हो गया, 12m रूट 2, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स. अभी अपना कॉमन सेंस, अगर ये मोमेंटम को बैलेंस करना है, बैलेंस, तो तीसरा मोमेंटम ये डायरेक्शन में होना चाहिए, तीसरा पार्ट उल्टा जाना चाहिए. बुलेट ऐसा जाता है तो राइफल ऐसा जाता है, तो ये दो मासिक थे ना, दो, उसका अगर मोमेंटम ऐसा है तो रिजल्टेंट मोमेंटम ऐसा होगा, राइट. नाउ दिस मास m3 ना, m3 is 3m, v3 अपने को मालूम नहीं है, लेकिन p3 क्या होगा, p3 is m3 v3 बराबर ना बेटा, that means it is 3m times v3, this is p3. ये मोमेंटम जो ढूंढ रहे हैं ना हम लोग p3, ये p इफेक्टिव को बैलेंस करेगा. p इफेक्टिव इज दिस, p3 इज दिस, राइट. सो According to law of conservation of momentum, can I say 12m root 2? ये
वाला बताइए वाला इफ 3m इनटू v3 ये 3m और ये 12m गया दैट गिव्स मी 4 4 रूट 2 इज इक्वल टू v3 बराबर मतलब मेरा आंसर या तो a हो सकता है या तो d हो सकता है ट्रिकी ऑप्शन है प्लीज बी केयरफुल ट्रिकी ऑप्शन ऑप्शन ए में एंगल दिया 45 डिग्री मतलब ये जो ग्रीन वेक्टर है ना हम लोगों को उसका डायरेक्शन ढूंढना है तो बेटा ये एंगल होगा 45 डिग्री ये एंगल होगा 45 डिग्री राइट तो ये एंगल 135 हुआ कि नहीं मतलब ऑप्शन ए नहीं हो सकता ऑप्शन डी इज द आंसर सी फोर रूट टू आया ना पहले फोर रूट टू देखो आंसर ही नहीं आया एंगल 45 डिग्री दिया है मतलब वो गलत है यस और नो ट्राई टू विजुअलाइज स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट टाइप एक ऐसे गया मतलब दोनों ऐसे गए तो इसका इफेक्टिव इधर आएगा बराबर तो ये इफेक्टिव को बैलेंस करने के लिए अपने पास वेक्टर इधर होना चाहिए यस और नो अगेन एज आई हैव बीन टेलिंग यू एक्स्ट्राऑर्डिनरीली इंपॉर्टेंट टाइप बेटा दो तीन बार रिवाइज करो इसको रीजन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं In fact, one or two questions like this, I want you to try on your own. Let me see if I can find out. I think yes. Question number 52. ये था question number 47. Right? आप लोग 52 खुद से try करो. Right? मैंने बोला वैसे ये भी आपको सब books में मिलेगा. Right? So you will try 52 on your own. You will try 52 on your own. This was question number 47. Are we on? Question number 48 now. Are we on question number 48? A body of mass 5 kg is moving with velocity 10 meters per second. Mass 1 is 5, velocity 1 is 10. Collide with another body of mass 20 kg, which is at rest. Mass 2 is 20, it is at rest. But of course, if you want to visualize, this is chota body, this is bada body. You know, 5 kg, this is 20 kg. Iska initial velocity 0 hai, and iska initial velocity kuch to hai, 10. And comes to rest. इसका मतलब ये हुआ, a body of mass 5 kg is moving with 10 meters per second, collides with another body of mass 10 kg at rest and comes to rest. मतलब ये body है ना, ये body टकराने के बाद rest पे आ जाता है. तो इसका final velocity zero हो गया. Right? Then what is the velocity of the second body during collision? What is the velocity of the second body during collision? Is it not very easy? M1 into U1 plus M2 into U2 is M1 into V1 plus M2 into V2 therefore 5 into 10 plus 20 into 0 is M1 into V1 no now that is 5 into 0 plus 20 into unknown is 50 plus 0 is 0 plus 20 V2 इसका मतलब V2 is 50 upon 20. Answer to this question is 2.5 meters per second. Answer to this question is 2.5 meters per second. That means your answer is A. Your answer is A. This was quite simple. Are we on question number 49? A ball of mass m is moving with velocity v. Initial mass is m, initial velocity is v. It collides with the ball of same mass moving with velocity 2v towards it. That means m2 is equal to m, u2 is equal to 2v. मुझे minus sign बोलना पड़ेगा कि नहीं बेटा, because they are moving towards each other. Yes or no? Then what happens to this velocity after they collide? मतलब इसका नया वेलोसिटी क्या होगा और इसका नया वेलोसिटी क्या होगा हैव यू नॉट डन दिस सो मेनी टाइम्स हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में
क्या होता है बेटा, इफ द मासेस आर सेम वेलोसिटीज आर इंटरचेंज्ड, इसका मतलब इसका वेलोसिटी माइनस टू भी हो जाएगा और इसका वेलोसिटी प्लस भी हो जाएगा। यस और नो, रिमेंबर दिस, ये वाला भी सीखा था मैंने, सेम डायरेक्शन वाला, दिस इज 2 मीटर पर सेकंड, दिस इज 5, आफ्टर कोलिजन 5 इंटू, तो ये उल्टा है, वेलोसिटी आर इंटरचेंज। सो आंसर टू 49th क्वेश्चन इज द वेलोसिटीज विल बी इंटरचेंज, मतलब आपका आंसर आएगा दिल्ली, मतलब आपका आंसर आएगा दिल्ली। आई होप आई एम नॉट फास्ट स्टूडेंट्स, anyway you can pause the answer and you can rewind and check, no problem. Are you on question number 50? Are you on question number 50? Very good question. A spacecraft of mass m is moving with velocity v, suddenly breaks up into two pieces. Suppose this is the spacecraft, okay, this is the spacecraft, this total mass is say m, right? Now this breaks up into two pieces of mass same m each, this is m, this is m, yes or no? After explosion one of the masses is becoming stationary, कोई भी एक मास स्टेशनरी हो जाता है, right? तो suppose इसका velocity हम लोग ले लेते हैं v1, this is zero, तो v2 का velocity कुछ है, right? इसका velocity था v, correct? इसका velocity था v, what is the velocity of the other part of the craft? वापिस एक बार देखो, पूरे spacecraft का मास m, उसका वेलोसिटी भी, ये ऊपर जा रहा है, एक पार्ट स्टेशनरी हो जाता है, मतलब वो गिर के स्टेशनरी हो गया होगा, यू कैन चेक इट, राइट? तो दूसरे का वेलोसिटी कितना? अप्लाई कॉमन सेंस, इफ m1 इज m, अगर मैं इसको m बोलता हूं तो m2 को मैं क्या बोल सकता हूं, इज इट नॉट m माइनस m, हालांकि दोनों मास सेम है, यस और नाउ कैन आई से मोमेंटम बिफोर is momentum after, momentum before is momentum after, that means mass into velocity is equal to mass into velocity of part 1 and mass into velocity of part 2, so mass into velocity is equal to mass 1 is m, velocity 1 is 0, mass 2 is m minus m, no beta, velocity 2 root n ya blow, so ye 0 ho gaya, so mv is equal to m minus m v2, so v2 should be mv upon m minus m, apply common sense, ये जो मास है ना उससे ये मास कम हो रहा है, कम, that means this ratio is going to be more than 1 and therefore v2 is greater than v, that is the logic, right? So answer to this question is A. Answer to this question is A. Are we on question number 51? Are we on question number 51? This is something similar which we have done so many times. Dhyan se suno. A ball is projected vertically downwards with initial velocity from a height of 20 meter onto a horizontal floor. ये body, ये floor है. ये body यहाँ से फेंका. Apply common sense. When I am holding it, when you are holding, its kinetic energy is zero. इसका मतलब its potential energy is highest. जब आपने इसको release किया, जब आपने इसको release किया, can I say काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होते जाएगा, एम आई राइट? आप लोग क्या बोल रहे हैं, एक पर्टिकुलर इंपैक्ट पे इट लूजेस 50% ऑफ इट्स एनर्जी, इसका मतलब हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच, ये जो पहले टोटल एनर्जी था उसमें से 50% ऑफ एनर्जी चला गया, उसमें से 50% ऑफ एनर्जी चला गया और जो बचा दैट इज एम जी एच। आई रिपीट, जो टोटल एनर्जी था ना हाफ एम जी स्क्वायर प्लस एम जी एच, व्हेन इट कम्स डाउन इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजिंग, पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग, इसका मतलब टोटल एनर्जी दिस, उसका 50% एनर्जी लूज हो गया, दैट मींस कैन आई से हाफ ऑफ हाफ एम जी स्क्वायर,
प्लस MgH इज MgH, ये टू मैं उधर ले लेता हूं, सो हाफ एम बी स्क्वायर प्लस MgH इज इक्वल टू टू MgH, ये MgH में उधर ले लेता हूं, सो हाफ एम बी स्क्वायर इज टू MgH माइनस MgH इज MgH। घूम फिर के देखो क्या आया बेटा, मैंने बोला था ना आपको ये बार बार आएगा, V इज इक्वल टू रूट ऑफ टू जी एच बोला था कि नहीं मैंने, तो अगर आपको ये पार्ट नहीं लिखना है और सीधा यहां से शुरू करना है तो भी चलेगा, ये मैंने 50% की वजह से लिखा था क्योंकि फ्यूचर में ये 40% 30% ऐसा भी तो कुछ हो सकता है ना। सो नाउ व्हाट इज V, इट इज 2, G इज 9.8, हाइट कितना था बेटा, हाइट कितना था, हाइट वॉज 20 मीटर, राइट, सो इक्वल 20, 9.8 टोन्स आ 19.6, 19.6 इनटू 20, यस और नो, ठीक है, मुझे यहाँ पे राउंड फिगर्स दिख रहे हैं, तो मैं इसको 10 ले लेता हूँ क्योंकि मुझे राउंड फिगर्स दिख रहे हैं, तो ये हो गया 400, सो आपका आंसर हो गया 20, आपका आंसर हो गया 20, सो 51st क्वेश्चन का आंसर हो गया ए, 51st क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। 52nd क्वेश्चन मैंने आपको खुद से करने को बोला है, आई टोल्ड यू इट इज सेम एज 47, ट्राई करो, नहीं आया नो प्रॉब्लम, एंड देन ओके आर यू ऑन क्वेश्चन नंबर 53 नाउ, आर यू ऑन क्वेश्चन नंबर 53, इट सेज दैट अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, हिट अनदर बॉडी ऑफ सेम मास मूविंग विद द सेम वेलोसिटी but in opposite direction. Now they stick together, then what is the velocity of the compound ball? Bahut simple hai na. M1 into U1 plus M2 into U2 is M1 plus M2 times B. Aisa maine kyun likha? They collide, they stick together, and now it may go this way or this way. Ye malum hai. They collide because they are moving in opposite direction. They stick together, it may go this way, it may go this way, we don't know. Right? But they go in common velocity. So, initial momentum of body 1 plus initial momentum of body 2 is final momentum of the body. This is the system. Am I right? Dono ka maas same hai kya? Dono ka maas same hai? Yes. So, can I say M1, M2? Kaise kaam karte na? Sab likhte hain. Chalo. This is M into U1 plus M into U2 is 2M into V. लेकिन अगर मैं इसको mu ले रहा हूं बराबर, तो इसको मुझे m into minus u लेना पड़ेगा, क्यों बेटा, opposite direction ना, this is equal to 2m into v, mu plus minus mu is 0, oh lovely, that means 2m is 0, that means v also is 0, मतलब दोनों बॉडी टकराने के बाद ऐसा होगा, that's all, they come to rest, they nullify each other's effect, is that clear? So 53rd answer to the question is C, answer to the question is C, just a minute.